महाकुंभ क्षेत्र में अखाड़ों की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। महाकुंभ 2025 के लिए जमीन आवंटन के बाद 5 अखाड़ों का आवंटन एक साथ हुआ। संतों ने अधिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया और इसमें दूर दराज से साधु संत सहित अखाड़ों के पदाधिकारियों ने शिरकत की है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविन्द्र पुरी महाराज ने कहा कि महाकुंभ के दौरान अखिल भारतीय परिषद एक सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास करेगा। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य देश भर के मठ और मंदिरों की व्यवस्थाओं का देखरेख करना है। महाकुंभ को लेकर के आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज हैं, इनसे बात करें। महाराज जी, आज क्या कार्यक्रम था, किस तरीके से भूमि पूजन हुआ, कितना महत्व रखता है? बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद आपको। आज आप देख रहे हैं यहाँ बड़ा अखाड़ा का भूमि पूजन था। सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा यहाँ आए और मेला प्रशासन यहाँ आया और बहुत ही अच्छा भूमि पूजन हुआ है। और आप देख रहे हैं कि कार्य भी शुरू हो गया है। पूरा मेला क्षेत्र में जो टीन लग रहा है, शौचालय बनने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा जो कार्य बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और सभी संत महात्मा हरिद्वार से यहां आ रहे हैं, पूरे देश विदेश से यहां आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी जो है ये कुंभ नगरी जो है, अभी भूमि में से भी जो रिक्त भूमि है ना, ये पूरी कुंभ नगरी जो है अब 15-20 दिन में अलग ही दिखाई देगी, बहुत अद्भुत दिखाई देगी, बहुत सुंदर दिखाई देगी। मतलब ये अध्यात्म नगरी एक बार पूरी तरीके से माना जाए कि अब और आज से तेजी पकड़ ले। देखिए, ये तपोभूमि है तो आप देखते हैं यहाँ तो हर माघ मेले में तो मेला होता है ही, जैसे बाकी जगहों के मेले होते हैं वैसे यहाँ माघ का मेला होता है। तो यहाँ का जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ रहता है, क्योंकि ये जो कुंभ है ये सर्दियों में आता है और सर्दी के समय में हमें चलने फिरने में दिक्कत नहीं आती है, सर्दी यहाँ लगती ही नहीं है क्योंकि इतना भीड़ लोगों का रहता है। और बहुत ही अच्छा, क्योंकि गंगा जी के बीच में हम लोग यहाँ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो भी चाहता, हमारे मठ मंदिरों की जमीन ऐसे हो गई है जैसे कोई सार्वजनिक हो गई हो, जो भी चाहे वो कब्जा कर लेता है, उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। अगर उसको हटाने का प्रयास किया जाता है, वो संतों को, हमारे ब्राह्मणों को कोई भी आरोप लगा देता है। इसीलिए उनकी रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का होना अति आवश्यक है। तो बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे आज भूमि पूजन से ये शुरुआत हो रही है। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात की जाती है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं साधु संत भी सनातन बोर्ड कर रहे हैं और इसको लेकर के धर्म संसद जब महाकुंभ में होगा उसमें सनातन बोर्ड को लेकर चर्चा की जाएगी। जनता टीवी के लिए प्रयागराज से अमित मिश्रा।